वहीं दूसरी ओर दिल्ली की वायु गुणवत्ता को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ है। दशहरे के अगले दिन भी दिल्ली की हवा साफ रही, जो कि पिछले कुछ सालों में पहली बार हुआ है। बिना लॉकडाउन के भी दिल्ली ने 206 दिनों का लक्ष्य लगातार दूसरे साल हासिल किया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सर्दियों का मौसम आमतौर पर प्रदूषण लेकर आता है, लेकिन इस साल स्थिति काफी बेहतर है। गोपाल राय के मुताबिक इस साल बिना बारिश के बावजूद दिल्ली का AQI पुअर कैटेगरी से बाहर है। गोपाल राय ने कहा, पिछले साल की तरह इस साल भी 200 दिनों का लक्ष्य पूरा हुआ है, जो दिल्ली सरकार के प्रयासों और जनता के सहयोग का परिणाम है। राजधानी दिल्ली में सर्दियों का मौसम प्रदूषण को लेकर के आता है, लेकिन आज हम सब लोग दशहरा के अगले दिन दिल्ली की हवाओं में साफ हवा के बीच सांस ले रहे हैं। गोपाल राय ने यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई योजनाएं बनाई गई, जिनमें से कृत्रिम वर्षा का विकल्प भी शामिल है। उनका कहना है कि अगर दिवाली के बाद प्रदूषण बढ़ने की स्थिति आती है, तो इसे कंट्रोल करने के लिए कृत्रिम वर्षा एकमात्र विकल्प होगा। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से मीटिंग बुलाने की अपील की है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने CPCB ने इस आंकड़े को जारी किया। मैं उनसे विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं, एक बार अपने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को फोन कर लीजिए। हमारा तो फोन उठाते नहीं, हमारे तो चिट्ठी का भी जवाब नहीं देते, लेकिन आपका फोन जरूर उठाएंगे और CPCB से एक बार कंफर्म कर लीजिए कि कल जो CPCB ने, केंद्र सरकार ने जो आंकड़े जारी किए कि दिल्ली के अंदर लगातार पिछले 2 साल से 200 से ज्यादा अच्छे दिनों की संख्या हो चुकी है। बहरहाल, दिल्ली सरकार ने हाल ही में एंटी डस्ट कैंपेन भी शुरू किया, जिसके तहत 120 से अधिक एजेंसियों के साथ बैठक की गई। दिल्ली में डस्ट पॉल्यूशन फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा दिल्ली के लोगों से भी अपील की गई कि वो ग्रीन दिल्ली ऐप का उपयोग करें और प्रदूषण के खिलाफ इस लड़ाई में सहयोग करें। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।